बच्चों, तो आज हम लोग एसेसमेंट सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। इसमें हमने अभी तक हैंडीक्राफ्ट के बारे में समझा था और आज हम लोग फाइन आर्ट्स के बारे में समझे। फाइन आर्ट्स कि जिनमें मेनली आते हैं म्यूज़िक, डांस और ड्रामा, ये सब फाइन आर्ट्स। ये भी एक तरह का आर्ट है। इनका यूज़ भले ही जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता हो, लेकिन ये भी एक तरह का आर्ट है। हर किसी को ये फाइन आर्ट्स नहीं आते। इन्हें सीखने के लिए भी स्पेशल स्किल लेनी ज़रूरी है ना, स्पेशल स्किल चाहिए इनके लिए भी। हर किसी को म्यूज़िक, हर किसी को डांस, हर किसी को ड्रामा करना जो है वो ये नहीं आता है। और हमारी इंडिया में इन चीज़ों का भी हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंस रहा है। तो इन फाइन आर्ट्स के बारे में समझे, जिसमें सबसे पहला फाइन आर्ट समझे वो है म्यूज़िक के बारे में। इंडियन म्यूज़िक है ना, उसकी पोजीशन वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही यूनिक पोजीशन है। एक अलग ही जो है वो पहचान है इंडियन म्यूज़िक की। आपको पता है हमारे चार वेद है ना, चार वेद, उन चारों वेदों में से सामवेद, वो सामवेद ऐसा है जो पूरा का पूरा म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है। मतलब सामवेद की जो भी रिचाज, मतलब जो भी श्लोक जो है ना, वो सब गाए जाते हैं। पर्टिकुलरली म्यूज़िक वाइज जो है वो पूरा का पूरा वेद लिखा हुआ है। म्यूज़िक जो है ना, म्यूज़िक में सिंगिंग और प्लेइंग ये दोनों इंक्लूड होते हैं। सिंगिंग गाना भी, और प्लेइंग मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाना। पहले के टाइम में सितार, तानपुरा, सारंगी, रुद्रवीणा, वीणा, ये सब जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स आते थे कि जिनका म्यूज़िक में बहुत अच्छा जो है वो ये स्थान था, पोजीशन है उसकी। जो सा रे गा मा पा धा नी, ये वो हमारे म्यूज़िक के सेवन वोवेल्स कहलाते हैं। मेन अल्फ़ाबेट्स, मेन वोवेल्स वो ये कहलाते हैं। इंडियन म्यूज़िक है ना, वो जनरली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक क्लासिकल म्यूज़िक और एक फोक म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक सबसे अलग और सबसे यूनिक है। आज हमारे इंडिया की पहचान पूरे वर्ल्ड में इस क्लासिकल म्यूज़िक की वजह से ही है। और दूसरा आता है फोक म्यूज़िक, जो लोक गीत कहते हैं, लोक संगीत कहते हैं, जो हर एक एरिया, हर एक स्टेट उनके हिसाब से ये अलग अलग होता है, वो फोक म्यूज़िक। हमारे म्यूज़िक में मेनली फाइव राग माने जाते हैं, फाइव मेन राग जो आते हैं श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। ठीक है ना, ये पांच मेन राग हैं हमारे म्यूज़िक के। ऐसा माना जाता है कि ये पांचों राग वो लॉर्ड शिवा के, शंकर भगवान के पंचमुख में से निकले हैं, इसलिए ये पांच राग वो हमारे म्यूज़िक के मेन राग माने जाते हैं। इस म्यूज़िक के ऊपर भी हमारे इंडिया में बहुत सारे वॉल्यूम्स, मतलब कि बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, जिनमें से तीन मेन बुक हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है, वो है संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। ये तीनों वो हमारे म्यूज़िक के ऊपर लिखी हुई मेन बुक्स हैं। आज कोई भी म्यूज़िक सीखता है या कोई भी जो है वो म्यूज़िक के बारे में जब नई चीज़ जानने जाता है ना, तो उनके लिए ये तीनों बुक बहुत बड़ा रेफरेंस मानी जाती है। सबसे पहले संगीत मकरंद की अगर बात करें ना, पहली बुक जो लिखी हुई है संगीत मकरंद, उसके बारे में बात करें तो ये बुक कब लिखी गई थी, तो 900 BC में। 900 BC आज से करीबन जो है वो ये 2500 से 3000 साल पहले, तब की ये लिखी हुई है, जो लिखी थी पंडित नारद ने। सुनना बेटा ध्यान से, ये पंडित नारद ने लिखी थी। इनके अंदर 19 अलग अलग वीणास, मतलब 19 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, वीणा के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और 101 जितनी रिदम्स जो आज भी सिखाई जाती है वो उस बुक में मेंशन थी। आज से 3000 साल पहले लिखी गई ये बुक कि जिसके अंदर है ना 19 वीणास, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और 101 जितनी रिदम्स वो इस बुक में समझाई गई है, लिखी गई है, जिन्हें आज तक सिखाया जाता है कि नहीं। इसके अलावा जो है वो संगीत रत्नाकर, दूसरी बुक, संगीत रत्नाकर वो जो है वो पंडित सारंग देव ने लिखी थी।
पंडित सारंगदेव जो दौलताबाद में रहते थे, कि इसमें जो है वो पंडित सारंगदेव ने इसमें साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन लिखा है, वो दोनों म्यूज़िक के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। दूसरे एक पर्सन थे वो थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे उन्होंने संगीत रत्नाकर को जो है वो म्यूज़िक की सबसे ऑथेंटिक बुक, सबसे बेस्ट बुक डिक्लेयर किया है। आज तक म्यूज़िक की जो भी बुक्स लिखी गई हैं उनमें से संगीत रत्नाकर को वो म्यूज़िक की बेस्ट बुक बताया हुआ है। उसके बाद तीसरी बुक आती है, वो आती है संगीत पारिजात। संगीत पारिजात ये भी म्यूज़िक की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो पंडित अहोबल ने लिखी थी कुछ करीबन 1665 में। पंडित अहोबल ने लिखी थी जिसमें भी नॉर्थन हिंदुस्तानी म्यूज़िक था, मतलब नॉर्थ इंडिया का जो है वह म्यूज़िक इसमें था, कि इनमें उन्होंने नॉर्थ इंडिया के जो भी म्यूज़िक है ना उसमें जो स्पेशल राग यूज़ होते हैं, स्पेशल जो रिदम यूज़ होती है, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन इसके अंदर बताया हुआ है। इनमें उस वक्त 29 टाइप के ट्यून्स, मतलब 29 टाइप्स की रिदम्स वो इसमें बताई गई थी संगीत पारिजात में। तो ये तीनों बुक वो म्यूज़िक की सबसे बेस्ट बुक कहलाती थी। और म्यूज़िक में हमारे इंडिया में कौन कौन से पर्सन आगे थे वो अगर कहा जाए तो म्यूज़िक के अंदर ही अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी जो मुग़ल एम्परर थे, राजा थे, जो उनके राज्य में रहने वाले एक पर्सन आमिर खुसरो, जो नाम लिखा हुआ है आमिर खुसरो, वो म्यूज़िक की फील्ड में सबसे फेमस माने जाते हैं, सबसे आगे, आज तक सबसे आगे माने जाते हैं म्यूज़िक की फील्ड में ये आमिर खुसरो, कि उन्होंने म्यूज़िक में, पोएट्री में जो कंट्रीब्यूशन दिया है ना, उस कंट्रीब्यूशन की वजह से उनका बहुत नाम हुआ था। हमारे इंडिया की हिस्ट्री में आमिर खुसरो को पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता है। पैरोट ऑफ इंडिया ये नाम इन्हें दिया जाता है, जिसे उर्दू में कहते हैं तूती ए हिंद, पैरोट ऑफ इंडिया ये टाइटल इनको मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके कुछ टाइम बाद हमारे इंडिया में ना कुछ 15th-16th century के आसपास, 15th-16th century मतलब आज से करीबन जो है वो 500-600 साल पहले, तब हमारे इंडिया में भक्ति मूवमेंट शुरुआत हुई थी। भक्ति मूवमेंट इसका मतलब जो भक्ति संगीत थे वो उस वक्त बहुत ज़्यादा बड़े थे, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, जिसके अंदर भक्ति संगीत में जो फेमस पर्सन थे जिनके नाम यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, जो फेमस पर्सन हुए थे उसमें चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कि ये सब बहुत फेमस हुए थे भक्ति संगीत में, सब प्रेयर सॉन्ग लिखने के लिए जैसे। इसके अलावा दूसरे पर्सन जो स्वामी हरिदास के डिसिपल शिष्य थे, जिनमें बेजू बावरा जिसे बैजनाथ कहते थे, तानसेन, एक ड्यूएट गर्ल थे, मतलब जो है वो दोनों हमेशा साथ में गाते थे, वो थे ताना रीरी। ये वो क्या कहते हैं, ज्वेल ऑफ म्यूज़िक कहा जाता है, म्यूज़िक के हीरे कहे जाते हैं इन लोगों को। तो ये सब म्यूज़िक में बहुत फेमस थे, और थे मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में, आज भी पूरे वर्ल्ड में इन सब का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि हमारे इंडिया जो है वो सिर्फ आम चीज़ों में नहीं लेकिन इन चीज़ों में भी सबसे आगे थी, ठीक है। तो फाइन आर्ट में जैसे म्यूज़िक के बारे में समझाना, वैसे दूसरा फाइन आर्ट समझें वो आता है डांस के बारे में। डांस पता है हिंदी में जो है वो ये हिंदी संस्कृत में से कहते हैं नृत्य, नृत्य कहा जाता है। नृत्य वो संस्कृत वर्ड नृत्य में से लिया हुआ है। नृत्य का मतलब ही होता है डांस करना, नाचना। इसके अंदर है ना, डांस के अंदर वो ताल और लय, इसका कॉम्बिनेशन बहुत होता है, रिदम का, हारमोनी का ये कॉम्बिनेशन। कहा जाता है कि भाई जो डांस करने से जो है वो खुले दिल से डांस करने से एक एस्थेटिक जॉय का जो है वो रियलाइजेशन होता है, कितना एक 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 अजीब सी खुशी, एक पवित्र खुशी जो है वो जैसे हमें मिलती है। डांस में वो लॉर्ड शिवा को सबसे ज़्यादा माना जाता है, भगवान शिव को वो लॉर्ड ऑफ डांस
ये माना जाता है। इसकी वजह से ही तो वो शिव भगवान के नाम पर से ही वो नटराज नाम पड़ा था। नटराज सुना ना आप लोगों ने, जो है वो ये एक मूर्ति देखी होगी। जो मूर्ति जो है वो जनरली शिव भगवान की मूर्ति जो एक डांसिंग फॉर्म में होती, जो नटराज की मूर्ति कहते हैं उसे कहा जाता है ना। कहते हैं कि भाई वही थे कि जिन्होंने सबसे पहले जो है वो ये डांस को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। और हमारे इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया में डांसिंग आर्ट बहुत फेमस है। इंडिया में अलग अलग तरह के डांस किए जाते हैं और ये डांस सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन वर्ल्ड फेमस है, जिनमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मणिपुरी, ये सब तरह के डांसेस होते हैं। एक एक करके समझें, सुनना ध्यान से। जैसे सबसे पहले भरतनाट्यम की बात करें, भरतनाट्यम की शुरुआत तमिलनाडु के तंजौर सिटी से हुई थी। तमिलनाडु में भरतनाट्यम के ऊपर दो मेन बुक्स लिखी गई हैं, एक नाट्यशास्त्र जो भारत मुनि की लिखी हुई है और एक अभिनव दर्पण जो नंदीकेश्वर की लिखी गई है। ये सब भरतनाट्यम के मेन सोर्स कहलाते हैं। ये अगर सीखना हो भरतनाट्यम तो ये बुक्स वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। इनके अलावा भरतनाट्यम में जो मेन फेमस हो चुके हैं ना, वो पर्सन हैं गोपी कृष्णा, मृणालिनी साराभाई। इसके अलावा फेमस एक्ट्रेस जैसे कि वैजयंती माला, हेमा मालिनी, ये सब भरतनाट्यम में सबसे फेमस पर्सन कहलाते हैं। इन्होंने भरतनाट्यम को सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है, है कि नहीं। भरतनाट्यम की ये जो बुक्स हम लोग कह रहे हैं ना, तो आप लोग माइंड में आता होगा कि एक डांस की बुक्स कैसे, डांस तो प्रैक्टिकली किया जाता है, उसको बुक्स में कैसे लिखा होगा। तो बुक्स में इस डांस के हर एक स्टेप, वो स्टेप क्यों किए जाते हैं, किस रीज़न से किए जाते हैं, कैसे वो स्टेप शुरुआत हुई थी, उन सब की थियोरी लिखी जाती है उन बुक्स में। तो अगर भरतनाट्यम आप लोग कभी सीखना चाहो तो उसके लिए बुक्स कभी रेफर करना, कि जिसमें आपको वो डांस सीखने में बहुत ग्रो मिलेगी। भरतनाट्यम के बाद दूसरा डांस आता है, वो आता है कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस की शुरुआत 15th century में हुई थी। इनमें जो है वो मेनली ये बेस्ड होता है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन्स ब्यूटी। वुमेन्स की ब्यूटी को जो है वो डिस्क्राइब करता हुआ ये डांस है, ये कुचिपुड़ी डांस। इनके ऊपर मेनली अलग अलग पोज, अलग अलग गेस्चर्स जो बहुत ही ब्यूटीफुली इस डांस में जो है वो ये बताए जाते हैं। कुचिपुड़ी मेनली शुरुआत हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ये सब नाम है ना स्टेट के, नेम ध्यान रखना। जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में शुरुआत हुई थी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ये नोट करते जाना आप लोग, ठीक है। तो कभी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये काम आएंगे और जनरल नॉलेज के लिए भी। कुचिपुड़ी मेनली आंध्र प्रदेश में शुरुआत हुआ था और कुचिपुड़ी के जो फेमस पर्सन है ना, कि जिन्होंने कुचिपुड़ी डांस को बहुत आगे बढ़ाया, वो हैं गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभना नायडू, ये सब फेमस डांसर्स हैं। कुचिपुड़ी के बाद दूसरा वो आता है कथकली डांस। कथकली डांस मेनली फेमस है केरला में। कथकली केरला में बहुत फेमस है। कथकली डांस में ना वो ये डांस मेनली ड्रामा के ऊपर डिपेंड है, मतलब रामायण महाभारत जैसी कहानियाँ वो डांस करके जो है वो इसमें बताई जाती हैं, कथकली में बताई जाती हैं। जिसके अंदर मेन दूसरा इसका अट्रैक्शन वो इनके ब्यूटीफुल प्लेटेड अटायर्स होते हैं। अटायर्स मतलब ड्रेसेस, ब्यूटीफुल ड्रेसेस, वो इनका दूसरा मेन अट्रैक्शन होता। और इसके अलावा दूसरा मेन इसका अट्रैक्शन वो आता है इनके फेशियल एक्सप्रेशन, है ना। इनके फेस के जो एक्सप्रेशन आते हैं ना, वो इनका समझो प्लस पॉइंट होता है इस डांस का। इसमें जो डांसर्स होते हैं ना, वो अपने सिर पर एक स्पेशल तरह का क्राउन पहनते हैं। आपने कितनी बार टीवी में और उसमें देखा भी होगा कथकली डांस, फेस पर जो है वो एक मेकअप करते हैं, एकदम डार्क मेकअप, और जो है वो ये ऊपर एक बड़ा सा ताज जैसे पहनते थे। ये मेनली जो है क्या करते हैं कि इनका जो डांस होता है ना, वो ये ड्रामा के ऊपर जैसे मैंने बताया डिपेंडेंट होता है। रामायण महाभारत की कहानियाँ इसमें जो है वो बताई जाती थी। इसमें
जो डांसर्स होते हैं वो कितनी बार अपने अपने हाथ में सिर्फ जो है वो अर्थन लैंप लेकर, मतलब जो दिए कहलाते हैं वो दिए लेकर भी जो है वो ये डांस करते हैं बिना उसको गिराए। जैसे इनमें जो फेमस पर्सन थे ना वो थे केरला के श्री वल्लथोड़। इसके अलावा कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिव रामन, ये फेमस पर्सन है, फेमस डांसर है कथकली के। कथकली के बाद दूसरा आता है, वो आता है कथक डांस। कथक डांस भी मेनली स्टोरीज या ड्रामा के ऊपर डिपेंड होता है। कथक के लिए तो कहा ही जाता है कथन करे सो कथक कहावे। कथन करे मतलब कोई कहानी सुनाए, कोई ड्रामा जैसे बताए, स्टोरी बताए, तो वो कथक कहावे। ये जिसमें जो है ये कथक डांस में मेनली लॉर्ड कृष्णा के, कृष्ण भगवान के जो है वो ये अलग अलग किस्से वो ये डांस करके इसमें बताए जाते थे। कि ये कथक डांस भी वो अपने एक तो अटायर्स के लिए, अपने ड्रेसेस के लिए जो है वो ये फेमस है, और दूसरा इनकी डांस के लिए। कि इस कथक डांस में जो श्री कृष्ण के अलग अलग किस्से बताए जाते हैं, जिसमें खासकर जो है वो श्री कृष्ण की रास लीलाएं, कि जिनमें जो सब वुमेन्स जो होती वो स्पेशल गोपियां जैसी जो है वो ये ड्रेस पहनकर और जो है वो ये डांस करती, ये कथक डांस कहलाती थी। कथक डांस में जो फेमस पर्सन है ना वो फेमस पर्सन है पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी, कुमुदिनी लाखिया, ये सब कथक के फेमस पर्सन हैं। और कथक के बाद दूसरा आता है, वो आता है मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस वो मणिपुर का जो है वो ये फेमस डांस है। ऑलमोस्ट वहाँ पर हर ओकेशन, हर फेस्टिवल में ये डांस किया जाता है। ये डांस भी श्री कृष्ण की लाइफ के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जिसमें भी श्री कृष्ण की रास लीला और उनकी बाल लीला वो इस डांस के थ्रू समझाई जाती थी। मणिपुरी डांस जो है वो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक लस्य और दूसरा तांडव, एक लस्य और एक तांडव, जिनमें वो एक स्पेशल ग्रीन या रेड कलर के जो है वो ये पेटीकोट पहनते, एक ऐसा स्पेशल अटायर होता है इनका कि जिन्हें क्यूमिन कहते हैं, क्यूमिन। ये क्यूमिन जो वो पहनते हैं ना, वो क्यूमिन एकदम बिल्कुल राउंड शेप का, दूर से एक ड्रम जैसा दिखाई देने वाला एक राउंड शेप का जो है वो ये इनका अटायर होता, इनकी ड्रेस होती, ये इनका मेन अट्रैक्शन होता। और इनका दूसरा, इनका स्पेशल डांस जो ये उनसे ये पहचाने जाते हैं। मणिपुरी डांस में जो फेमस पर्सन हो चुके हैं जिनमें गुरु अम्बो सिंह, इसके अलावा गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता, ये सब मणिपुरी डांस में बहुत फेमस है। इन्होंने मणिपुरी डांस को वर्ल्ड वाइड फेमस किया है। तो ये डांसिंग आर्ट भी हमारे इंडिया में फेमस है। आप इमेजिन तो करो, ये अलग अलग, ये तो सिर्फ 6 अलग अलग स्टेट, वो भी मेनली सिर्फ साउथ इंडियन और ईस्ट इंडियन डांसिंग के बारे में बताया। दूसरे हर एक जगह पर तो डांसिंग आर्ट कितना फेमस है। हमारे गुजरात में देखो, पंजाब में देखो, राजस्थान में देखो, हर जगह का डांसिंग आर्ट जो फोक डांस कहलाता है उनका, वो सब अलग अलग जगह पर फेमस आता है। तो सोचो हमारा इंडिया जो है वो डांसिंग जैसे आर्ट में भी बिल्कुल पीछे नहीं है, बराबर ना, सबसे आगे है। डांसिंग आर्ट के बाद फाइन आर्ट में दूसरा आता है, वो आता है ड्रामा, ड्रामेटिक आर्ट। ड्रामेटिक आर्ट में भी हमारा इंडिया कोई चीज़ में पीछे नहीं है, ड्रामा में भी हमारा इंडिया सबसे आगे है, है ना। ड्रामा के बारे में जो है वो अगर कहा जाए ना, तो सबसे पहला ड्रामा जो लिखा गया था या समझो भाई किया गया था, जिन्होंने बताया था, वो पर्सन थे भारत मुनि, जो पहली लाइन में लिखा हुआ ना भारत मुनि, उन्होंने लिखा था नाट्यशास्त्र, भारत मुनि का लिखा हुआ नाट्यशास्त्र, वो बहुत ही फेमस ड्रामा था। इनसे समझो कि हमारे इंडिया में जो है वो ये ड्रामेटिक आर्ट की शुरुआत हुई थी। जनरली ड्रामेटिक आर्ट पहले जो होता था ना, कि भाई कहीं पे छोटे छोटे गांवों में, छोटे एरियाओं में जो है वो स्टेज पर या लोगों की भीड़ के सामने अलग अलग ड्रेसेस पहनकर, अलग अलग फेस के एक्सप्रेशन दिखाकर, क्लाउन्स वो जोकर बनकर जो है वो उनके सामने आते और उनके सामने अलग अलग तरह का डांस करते थे।
तो इनसे ड्रामा की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद तो प्रॉपरली प्ले लिखे जाते थे, पूरे के पूरे नाटक लिखे जाते जिसमें जनरली कोई मोरल वगैरह होता जो आम जनता को, वहाँ के लोगों को दिया जाता, समझाया जाता था, कोई सीख दी जाती थी उन लोगों के लिए। तो ऐसा ड्रामेटिक आर्ट का कहो के शुरुआत करने वाले पर्सन वो भारत मुनि थे कि जिन्होंने सबसे पहले नाट्य शास्त्र लिखा था। ड्रामेटिक आर्ट वो एक ऐसा आर्ट होता ना, यही एक ऐसा आर्ट है कि जिसमें ऑडियो विजुअल एड, मतलब ऑडियो और विजुअल दोनों साथ में आपको मिलते हैं, आप देख भी पाते हो और सुन भी पाते हो। सही बात है ना, यही तो एक ऐसा एक स्पेशल आर्ट है ना। और ये एक ऐसा आर्ट है जो हर एज के लोगों के लिए कंपेरेबल, मतलब सबके लिए जो है वो याद है, मतलब कोई छोटा हो या बड़ा हो, ये ड्रामेटिक आर्ट है वो सबके लिए जो है वो चलता है। ड्रामेटिक आर्ट ऐसा है आर्ट है कि जिसमें बाकी के सभी आर्ट आ जाते हैं, ये भारत मुनि खुद कहते हैं। जो सबसे पहले जिन्होंने ड्रामा शुरू किया था वो भारत मुनि खुद कहते हैं कि ऐसी कोई बुक, ऐसा कोई स्कल्पचर, ऐसी कोई नॉलेज, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो ड्रामेटिक आर्ट में न आता हो। ड्रामा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा भारत मुनि ने जो जो दूसरे ड्रामास लिखे थे ना, जिसमें थे देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम जिसमें देव और असुर का संग्राम, लड़ाइयाँ, तो ऐसा ड्रामा जो मेनली रामायण महाभारत के बेस पर होता था, कि ऐसा ड्रामा वो पहले के टाइम में लिखा जाता था कि जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिले और साथ में नॉलेज भी मिले और कुछ मोरल भी मिले, ऐसे ड्रामा लिखे जाते थे। इसके अलावा ड्रामा में दूसरे जो फेमस पर्सन थे ना, वो थे पोएट भास, भास कवि भास जिसे कहते हैं, जिन्होंने जो मेन ड्रामास लिखे थे जिनमें कर्णभार, ये आपको लिखे हुए दूसरे पॉइंट में, कर्णभार, उरुभंगा, दूतवाक्यम, ये सब पोएट भास ने लिखे थे। ये नेम याद रखना, ये उस वक्त के सबसे फेमस ड्रामास में से एक थे। इसके अलावा अगर ड्रामा का नाम लिया जाए और उस पर्सन को याद ना किया जाए तो बिल्कुल नहीं जानता कि जिनको, जिन्होंने ड्रामा को एक नेक्स्ट लेवल पे, एक अलग ही लेवल पे लेके गए थे, वो पर्सन थे कालिदास। कालिदास ने जो ड्रामा लिखी थी, जो पोएम्स लिखी थी, कि उनके जैसा फिर और कोई भी नहीं लिख पाता था। कहते हैं ना वर्ल्ड में जो है वो एक शेक्सपियर और एक जो है वो कालिदास, तो इन दोनों जैसा जो है वो ये इनकम्पेरेबल कहलाते हैं, इनकी कंपैरिजन किसी से नहीं की जाती। तो हमारे इंडिया में कालिदास थे कि जिन्होंने ड्रामेटिक आर्ट को बहुत आगे लेके गए, बहुत फेमस बनाया। कालिदास के ऐसे तो अलग अलग ड्रामास हैं, लेकिन तीन मेन ड्रामा उनके हैं, और ये तीनों नाम अच्छी तरह से याद रखना बेटा। तीन मेन ड्रामा है कालिदास के, इस पॉइंट में लिखे हुए हैं थर्ड पॉइंट में, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवर्षीयम और मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवर्षीयम एंड मालविकाग्निमित्रम, तो ये जो तीन ड्रामास थे ना, वो कालिदास के सबसे फेमस ड्रामास थे। इनकी वजह से हमारा यहाँ पर इंडियन जो है वो ये ड्रामेटिक आर्ट वो बहुत अलग लेवल पे पहुँचा था। हाँ, अभी तक ये सब ड्रामास थे ना, वो सब ड्रामास कैसे, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे, दूसरी लैंग्वेज में अभी तक नहीं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, दूसरी लैंग्वेज में भी लिखना शुरुआत हुआ, जिसमें और कोई नहीं, अगर हमारे गुजरात की बात करें तो गुजराती में अलग अलग ड्रामास लिखना शुरुआत हुए उस टाइम, जिसमें सबसे फेमस पर्सन हमारे गुजरात के थे, वो थे जयशंकर सुंदरी, के आखिरी पॉइंट में लिखे हुए जयशंकर सुंदरी। ये पर्सन थे कि जिन्होंने हमारे इंडिया में गुजराती ड्रामा की जैसे शुरुआत की थी। इसके अलावा दूसरे फेमस पर्सन जिनमें आते हैं अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठक्कर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला, ये सब फेमस प्ले राइटर हैं। ये थे कि जिन्होंने रीजनल, मतलब कि सिर्फ गुजरात में रहकर यहाँ पे मेन वो ड्रामास लिखे थे, यहाँ के ड्रामेटिक आर्ट को आगे बढ़ाया था। और ये पर्सन थे ना कि जिनके ड्रामास फिर अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए थे। इनमें से अगर कालिदास की जैसी कंपैरिजन तो नहीं की जाए, कालिदास के जो ड्रामास है ना, ये ड्रामा आज भी कितने सारे ड्रामास में जो है वो किए जाते हैं, जो अलग अलग जगह पर ड्रामा शो होते हैं ना, नाटक वगैरह किए जाते हैं, तो उसमें कालिदास के ये ड्रामास आज तक किए जाते हैं। और ये इनके ड्रामास हैं
कि जिनका वर्ल्ड की ऑलमोस्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। कालिदास की ये बुक्स है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये ड्रामास इतने फेमस ड्रामास हैं कि आप लोगों को भी कभी ये ड्रामा अगर रीड करने हो, देखने तो चलो ठीक है कि अब जहाँ देखने को मिले, लेकिन अगर कभी रीड करने हो ना, तो इनकी बुक्स आपको जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में इनकी बुक्स आज अवेलेबल हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए फाइन आर्ट में, ड्रामा में भी हमारा इंडिया जो है वो पीछे नहीं था, हर चीज़ में आगे था। तो जैसे फाइन आर्ट का ये भी हमने देखा ना। अब चैप्टर का दूसरा पॉइंट, दूसरा मेन, हमारे इंडिया की स्पेशल डांस फॉर्म्स, ऐसे डांस फॉर्म्स जो समझो बाकी के पूरे वर्ल्ड के लिए अननोन है। शायद आप लोगों ने भी कभी ऐसे भी डांस होते हैं वो नहीं सुना होगा। आगे आपने डांस के बारे में तो वो समझा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मणिपुरी डांस, कथक डांस, इन सब के बारे में तो चलो नाम तो सुना है आपने, लेकिन कुछ ऐसे भी डांस फॉर्म हमारे इंडिया में हैं, इवन हमारे गुजरात में हैं, कि जिनका आपने शायद नाम भी ना सुना हो, ऐसे ऐसे डांसेस। तो अब उन डांसेस के बारे में, उनकी स्पेशलिटीज़ के बारे में अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।